दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों आप सभी के लिए आज मैं एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं, और ये सुनिएगा, और उसके बाद जब तक आप पूरा लास्ट तक वीडियो नहीं देख लेते उस पर अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जरूरी नहीं कि मैं जो बोलता हूँ सही हो। आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, जो भी इसमें आप बताना चाहें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लेकिन पहले सुनिएगा पूरी बात। और आप अगर आपको पसंद आता है, और मैंने खुद जो है करके देखा है, तो इसलिए इसमें जो है ज्यादा ऐसे चांस नहीं है कि जो ये फालतू है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनिए, पहले हमारा आइडिया सुनिए। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे गाय पालन की। तो आपको क्या करना है कि 20,000 के एक गाय आराम से अच्छी खासी मिल जाएगी। जो आपको जो है गाय ऐसा लेना है कि नई नहीं लेना है, एकदम पुरानी टाइप की लेना है, तो 20,000 में जो 15 लीटर के आसपास दूध दे सके। तो आपको 5 गाय लेना है, आपका हो गया 1 लाख रुपए गाय में। उसके बाद आप उसके देख रेख और सेट और उसका जो घर है बनाने के लिए, आप उसमें जो है 20,000 रुपए लगा देंगे। तो आपको बढ़िया मोटर वगैरह सब कुछ फिट हो जाएगा, हौदा वगैरह मतलब कि वो बन जाएंगे, हौदी वगैरह जो उसमें वो आराम से पानी वानी जो है पी सकती है, खा सकती है। तो इतने में जो है आपको सेट में जो है लगभग 20 और लगा देंगे, तो आपको 1,20,000 के आसपास जो है खर्चा लग जाएगा। उसके बाद अब आप बात करिए कि अब उससे कितना दूध उत्पादन होगा। एक जानवर से आप आराम से 15 लीटर से दूध जो है 20 लीटर तक ले सकते हैं, लेकिन हम 15 लीटर ही मान रहे हैं। तो 15 75 लीटर आपके पास दूध हो गया, और आप आराम से ये समझ सकते हैं कि 75 लीटर दूध आप ज्यादा मत मानिए, वैसे तो 40 रुपए 50 रुपए दूध की कीमत है, लेकिन आप 30 रुपए में लगा लीजिए। तो 75 × 30 करते हैं तो आता है 2,250। कहने का मतलब एक दिन में पांचों जानवरों से 2,250 का दूध जो है बिक सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इस पर खर्चा कितना आएगा, चारा वगैरह और दवा ये सब पे कितना आएगा। तो 4 kg या 5 kg भूसा मान लेते हैं, तो हम 5 रुपए में भूसा जो है 500 रुपए कुंटल के हिसाब से मिल जाता है। तो 25 रुपए एक जानवर पर आएगा, और उसके बाद 5 किलो हम वो जो है चारा मान लीजिए है, मतलब कि अरे जैसे दाना वगैरह हो गया, तो वो चीज आप मान लीजिए 5 kg एक जानवर पे, तो उसका 20 रुपए में आपको मिल जाएगा पशु आहार वगैरह। तो 20 रुपए kg के हिसाब से तो 100 रुपए का ये मान लीजिए। अब उसके बाद 25 रुपए पर जो दवा का मान लीजिए, वैसे दवा का इतना लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप, क्योंकि बीमार होता है कुछ होता है तो आप दवा कराएंगे, तो इकट्ठा वो समझ लीजिए, तो 25 रुपए वो मान लीजिए, तो आपका हो गया 150 रुपए एक जानवर पर। तो पांचों पर आप गुणा कर दीजिए 5 से, तो 150 × 5 करेंगे तो आएगा 750। यानी कि पांचों जानवरों पर जो खर्चा आती है वो 750 रुपए की आती है। दोस्तों वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन आप इसको समझिएगा। अगर इस मॉडल को समझ गए आप, तो आप घर पर ही रह करके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और आप अच्छी खासी जो है अर्निंग कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं। अगर GDP देखें, देश की विकास दर देखें, तो पशुपालन और कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जो कोरोना वायरस में प्लस में जा रहा है। पूरा देश जो है गरीबी से जूझ रहा है, सारे देश के धंधे जो है चले गए, लेकिन ये धंधे जो है पॉजिटिव रहे हैं। आप जाकर के GDP देख लीजिए, इनका प्लस है। बाकी 23 − 23.9 चली गई है सारे, अगर टोटल माना जाए तो यही दो ऐसे धंधे हैं, पशुपालन और कृषि, जो जिनमें घाटा नहीं हुआ है और ना घाटा होगा। तो दोस्तों इसी काम को करें तब ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब कोरोना जैसी महामारी में जब जहां पूरा सब अस्त व्यस्त हो गया, फिर भी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब तो जो है स्थिति सुधर गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए 750 ये खर्चा हो गया। अब 2,250 रुपए में से जो फायदा आता है दूध बेचने के बाद, उसमें से आप 750 रुपए निकाल दीजिए, तो आपका बच रहा है शुद्ध 1,500 रुपए। और ये 1,500 रुपए एक जानवर से नहीं, पांचों जानवरों से आपको दिन भर में जो है मिलेगा। और 1,500 को आप 30 से गुणा कर दीजिए महीना में, तो आपके पास होते हैं 45,000 रुपए जो आपके शुद्ध लाभ हो रहे हैं। तो 45,000 रुपए जो है एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। और उसमें आप उसी लाभ से 20,000 रुपए का एक जानवर और डालिए, तो आपके पास अब हो जाएंगे 6, और आप 25,000 आप रख लीजिए अपने अकाउंट में। तो इसी तरीके से हर महीने आप एक जानवर रखिए, और इधर जैसे आपका जानवर जो है दूध देना कम करता है, तो आप इधर से जो है निकाल दीजिए उसको। जब इधर से आप
बेचते रहेंगे, उधर से आप नए जानवर रखेंगे तो जो नए जानवर आएंगे उनकी दूध उत्पादन क्षमता जो है ज्यादा रहेगी। अब आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं तो आप अच्छे अच्छे और क्वालिटी के 25 लीटर 30 लीटर तक के आप जानवर खरीद सकते हैं। और इनमें कुछ फायदे और हैं, जैसे मान लीजिए बछिया होती हैं तो 16 महीना से मतलब कि 16 महीना से लेकर 18 महीना 17 महीना में जो है ये बच्चा दे देती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो और उसके बाद एक साल के जो है अंदर आपको 5 और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मतलब कि देसी जो है गोबर वगैरह, इससे जो है आपको 5 भी मिलेगी अच्छी खासी, तो आपकी खेती भी अच्छी खासी हो जाएगी इससे। अब इनमें कुछ जो है चीजें आपको महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं बता रहा हूँ कि जो ध्यान देने योग्य है, वरना आप इसमें जो है गुथोखा खा जाएंगे। वो ये है कि आपको बहुत महंगे जानवर नहीं लेने हैं, आपको बस कहीं से जो है थोड़ा सा दुधारू जानवर हो और टूटे जानवर अगर आपको मिल जाए तो उन्हीं से आप काम शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपको सस्ते पड़ जाएंगे। और ऐसे आदमी के हाथ से लीजिए जो एकदम गर्ज में बेचने वाला हो तो आपको कम दाम में दे देगा। और उसके बाद में इसमें और चीजें ये आती है, जैसे थनैला रोग है, ये बहुत परेशान करता है। और थनैला रोग जो होता है ऐसे कि गंदगी वगैरह होती है वहां पे, तो पशुओं के जो है थन में जो है सूजन आ जाती है या फिर कड़ापन आ जाता है, दूध सही से नहीं निकलता है, कम ज्यादा निकलने लगता है। तो इसके लिए एक पेपर आता है, आप उस पर जो है लगातार दूध को डाल करके चेक कर सकते हैं। आप वहां पर जाएंगे अपने मेडिकल स्टोर पे तो आप वहां पे मांगेंगे जब तो मिल जाएगा। अगर थनहेला है पशु को तो कागज का कलर जो है बदल जाता है, नीला हो जाता है, तो आप वहां पर जो है जाकर के ये चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको कागज मिल जाएगा, वो उस पर दूध का आप एक धार डालेंगे तो अगर आपका कलर बदल जाता है तो समझ लीजिए कि उसमें पशु को थनैला रोग है। अब उसमें आप और एक चीज जान सकते हैं, मुंह पका हो गया, गला घोटू हो गया, ये सब जानवरों को बहुत तंग करते हैं। और या तो फिर परेशानी तब आती है जैसे मान लीजिए आप ऐसे गाभिन बाद पशु लाए और उसके बाद में जब उसको बच्चा देने को हुआ तो ऐसा होता है कि उसको कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ज्यादा दुधारू पशु होते हैं ऐसे भी पशुओं को जो है कैल्शियम की मात्रा देना चाहिए। जो पशु रखे हैं या फिर आप लोग जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि जो है लगातार निरंतर जो है पशुओं को कैल्शियम देते रहना चाहिए। अगर कैल्शियम आप नहीं देते हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि पशु जो है आपने देखा होगा कि जब बच्चा देता है तो उसके बाद में एक दो दिन में ही जब उसको जब बहुत सारा दूध निकलता है जब, तो कैल्शियम की हो जाती है उसको कमी, और वो एक तरफ को ऐसे करके मतलब साइड को बैठ जाता है, फिर वो ना हिलता है ना डोलता है ना उसके जो है जान नहीं रहती, समझ लीजिए एक प्रकार से, तो बहुत ज्यादा जो है वो समस्या में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पशु को बहुत परेशान करते हैं ये रोग, और इसका बस एक ही निदान है कि आप पशुओं को जो है, लेकिन एक चीज है, इसका दवा अगर उचित टाइम पर करवा दिया जाए और आपको बोतल वगैरह अगर चढ़वा दिया जाए तो तुरंत समझ लीजिए कि जादुई उपचार होता है, जादुई लाभ होता है, एक घंटे में पशु जो है खड़ा हो जाएगा उठकर। तो ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं होती है, अगर ऐसा जो है हो रहा है तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, या आप खुद आप लोग जो है वैक्सीनेटर और सहायक हैं जितने, इनको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी ले लें कि बोतल कैसे चढ़ाया जाता है, क्या होता है, वैसे उपचार करना तो इन लोगों को ज्यादा आप फायदा हो सकता है, क्योंकि इनको जो है मेडिकल की थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगी, और जब इनको मेडिकल की नॉलेज रहेगी तो इससे जो है इनको फायदा इसमें काम में मिल जाएगा, और अदर आदमी को इतना ज्यादा पता नहीं होता। अब दूसरा आता है पशुओं में जू और किलनी का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है, जिससे पशु जो है दूध उत्पादन भी कम कर देता है और उसमें जो है समस्या भी आने लगती है। तो इसके लिए एक मार्केट में जो है दवा चलती है टैक्टिक नाम से, और ये जो है सबसे कारगर जो है, बूटाक्स वगैरह भी आती है लेकिन वो इतना ज्यादा है कारगर बैठती नहीं है। तो सबसे कारगर जो हमें लगी वो बूटाक्स, मतलब बूटाक्स वगैरह नहीं लगी, सबसे कारगर हमें टैक्टिक लगी, और टैक्टिक एक ऐसी दवा है जो बहुत ही मतलब हार्ड होती है और काम भी बहुत अच्छा करती है। और भी दवाइयां खाने के लिए आती हैं, और पेटों के लिए फिनमेंडा जवाल वगैरह आती हैं, मतलब कि उसको टाइम टाइम से देना चाहिए जिससे पशुपालन में जो है आपका दुग्ध उत्पादन बना रहेगा अच्छा। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान देते हैं आप तो अच्छा खासा जो है कमाई कर सकते हैं घर पर ही। अब बहुत लोगों को ये आता है कि भाई 1,20,000 रुपए इकट्ठा नहीं लगा सकते हैं, तो वो जो है जरूरी नहीं कि 5 जानवर से शुरू करें, वो 1 जानवर से शुरू कर सकते हैं, 2 जानवर से शुरू कर सकते, लेकिन 2 जानवर से कम से ना शुरू कीजिए, कम से कम 2 जानवरों से शुरू कीजिए। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा बढ़िया जो है जगह नहीं है रखने के लिए तो आप ऐसे भी पहले शुरुआत में छप्पर वगैरह में भी रख सकते हैं जानवरों को, उसके बाद आप जो है व्यवस्था के हिसाब से आप उनका जो है
मामला टंच कर सकते हैं। अगर आप आगे आपकी फिर धीरे धीरे अगर आप इस फार्मूले पे चलते हैं तो आपका ये पशुपालन जो है एक डेयरी का रूप धारण कर लेगा, और जब बहुत सारे जानवर हो जाएंगे तो आपको अदर जो है आदमियों को वर्क भी देना होगा। बहुत सारे आदमी आपसे संपर्क करेंगे, भाई हमको काम पर रख लीजिए, तो आप जो है अच्छा खासा जो है अर्निंग कर सकते हैं, साथ में जो है और लोगों को भी जो है काम दे सकते हैं। तो नौकरी का जो है ज्यादा भरोसा ना कीजिए, अपना स्वयं का काम करने की कोशिश कीजिए। मैं आप सभी को जो है बिजनेस आइडिया प्रोवाइड करवाऊंगा, और ऐसे ही जो है मैं सर्च करता हूँ और बहुत सारी चीजों की जानकारियां मैं लिखता हूँ, लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो दोस्तों जितने भी लोग अभी तक हमसे जुड़े रहे और लास्ट तक वीडियो को देखा, सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ तक हमसे जुड़े। मैं था अमेठी उत्तर प्रदेश से अंकुर तिवारी, और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। तो दोस्तों जितना भी आपकी प्रतिक्रिया है आप दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। ऐसे ही बहुत सारे मैं वीडियो, ये तो डेयरी पर था, ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया क्योंकि इसमें हमने स्टेटमेंट मतलब कि आपको सब बताया भी था कि कितने का क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कितना लाभ ले सकते हैं, कितना आपको फायदा हो सकता है, सारी बातें बताई हमने। अब अगला वीडियो मैं छोटे छोटे थोड़ा बनाऊंगा, तो ये 10-12 मिनट जो आपने जिंदगी के दिए हमें लगता है कि ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिली होगी, अनुभव मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।